आवाजी काम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का फिर तो स्वागत करते हैं। श्रोमणी कमेटी ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब समय श्री ननकाणा साहब की यात्रा लिए श्रद्धालुओं तो पासपोर्ट मंगे ने। नवंबर 2020 सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान जाएगा। श्रद्धालु श्रोमणी कमेटी दफ्तर विखे खुद आ के अपने पासपोर्ट 18 अक्टूबर 2020 तक जमा करवा सकते हैं। पासपोर्ट के नाल मैंबर श्रोमणी कमेटी की सिफारिश सहित अपना पछाण पत्र 3 पासपोर्ट साइज रंगदार फोटो भी जमा करवा। पछाण पत्र लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड या राशन कार्ड की कापी दी जा सकती है। सकत्र श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी महेंद्र सिंह आली ने इस बारे पूरी जानकारी दी। 27 नवंबर को पाकिस्तान जाएगा सिख श्रद्धालुओं का जत्था। 30 नवंबर को गुरुद्वारा जन्म स्थान श्री ननकाणा साहब विखे पहली पातशाही गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पुरब मनाया जाएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हर साल धन गुरु नानक पातशाह का प्रकाश दिहाड़ा पाकिस्तान विखे ननकाणा साहब विखे मनाया जाता। इस बार भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिख यात्रावां का एक जत्था पहला की तरह 27 तरीक न पाकिस्तान विखे जाएगा। हैल्थ डिपार्टमेंट हदायतों के अनुसार ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सारे कार्य किए जाएंगे। 18 अक्टूबर तक संगतों तो पासपोर्ट मंगे गए हैं। मैं मानजो प्रधान साहब वालों सिख संगत को अपील करदा कि जो अपने पासपोर्ट ने 18 अक्टूबर तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख दफ्तर भेज दें। धन गुरु नानक पातशाह का प्रकाश पुरब है वो 30 नवंबर को ननकाणा साहब विखे मनाया जाएगा और 6-12 ये जो जत्था वा वापस भारत परतेगा। सब सिख संगत अपने पासपोर्ट जोड़े 18 अक्टूबर तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भेज दें। आवाजी काम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का फिर तो स्वागत करते हैं। श्रोमणी कमेटी ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब समय श्री ननकाणा साहब की यात्रा लिए श्रद्धालुओं तो पासपोर्ट मंगे ने। नवंबर 2020 सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान जाएगा। श्रद्धालु श्रोमणी कमेटी दफ्तर विखे खुद आ के अपने पासपोर्ट 18 अक्टूबर 2020 तक जमा करवा सकते हैं। पासपोर्ट के नाल मैंबर श्रोमणी कमेटी की सिफारिश सहित अपना पछाण पत्र 3 पासपोर्ट साइज रंगदार फोटो भी जमा करवा। पछाण पत्र लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड या राशन कार्ड की कापी दी जा सकती है। सकत्र श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी महेंद्र सिंह आली ने इस बारे पूरी जानकारी दी। 27 नवंबर को पाकिस्तान जाएगा सिख श्रद्धालुओं का जत्था। 30 नवंबर को गुरुद्वारा जन्म स्थान श्री ननकाणा साहब विखे पहली पातशाही गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पुरब मनाया जाएगा। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हर साल धन गुरु नानक पातशाह का प्रकाश दिहाड़ा पाकिस्तान विखे ननकाणा साहब विखे मनाया जाता। इस बार भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिख यात्रावां का एक जत्था पहला की तरह 27 तरीक न पाकिस्तान विखे जाएगा। हैल्थ डिपार्टमेंट हदायतों के अनुसार ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सारे कार्य किए जाएंगे। 18 अक्टूबर तक संगतों तो पासपोर्ट मंगे गए हैं। मैं मानजो प्रधान साहब वालों सिख संगत को अपील करदा कि जो अपने पासपोर्ट ने 18 अक्टूबर तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख दफ्तर भेज दें। धन गुरु नानक पातशाह का प्रकाश पुरब है वो 30 नवंबर को ननकाणा साहब विखे मनाया जाएगा और 6-12 ये जोड़ा जत्था वा वापस भारत परतेगा। सब सिख संगत अपने पासपोर्ट जोड़े 18 अक्टूबर तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भेज दें।